In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all are fine. Stay safe at home. At English class 4. Today we are going to study Broadway, course book 4 by published Oxford University, Pakistan. Now start the reading. Open your course book. Write the date and the day. Let's come to the chapter number 1, The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. It's about a bird and a girl. The girl will tell about the story, The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. Let's turn the page number 12. First we know what is hummingbird. Hummingbird kya hai? A small nectar feeding tropical American bird. ये एक छोटा परिंदा है जो कि फूलों का रस चूसता है और ये American bird है. Now turn the page number 12 and put your fingers on text. There was a little hummingbird in my neighborhood. मेरे पड़ोस में एक hummingbird रहती थी. It usually sat on my window sill, जो कि हमेशा मेरी विंडो सेल पर आकर बैठा करती थी. I enjoyed hearing her sing. मैं जो हूँ उसका गाना गाना बहुत पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा सुनती थी. What is the meaning of singing of the bird? बेटा पता है आप लोगों को कि बर्ड का सिंग करना क्या है? बर्ड जो चहचहाती हैं वो उनका सिंग है, ठीक है. सडनली अचानक आई डिडेंट सी द लिटिल हुमिंग बर्ड फॉर सम डेज. कुछ दिन से मैंने जो है हुमिंग बर्ड को नहीं देखा. कुछ दिन से अबाउट अ वीक अगो और कुछ हफ्ते पहले की बात है. अ बैड स्टॉर्म केम अलोंग एंड ब्लू ऑल द वॉर्म्स अवे. वॉर्म्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को. तो एक हफ्ते पहले तूफान आया था जिसमें सारे कीड़े मकोड़े जो क्या थे उड़ गए थे. आई फेल्ट सॉरी फॉर द हुमिंग बर्ड. मैं हुमिंग बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि वो जो सब कीड़े मकोड़े उड़ गए थे वो क्या होते हैं, बर्ड्स का खाना होता है. शी मस्ट हैव बीन हंग्री एंड सो शी मस्ट हैव फ्लॉन. और उसे भूख लगी होगी तभी वो यहाँ से क्या है चली गई है. आई थॉट वो बच्ची सोच रही है. देन वन ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग एक बहुत अच्छी सुबह द लिटिल हमिंग बर्ड रीअपेयर्ड ऑन माई विंडो सेल. रीअपेयर्ड बोलते हैं दोबारा नमोदार हो जाना. तो एक अच्छी सुबह वो बर्ड दोबारा उसकी विंडो सेल पर क्या हो गई, नमोदार हो गई, वहीं आकर वो बैठ गई. वेयर हैव यू बीन आई आस्क्ड द लिटिल ह्यूमिंग बर्ड. ह्यूमिंग बर्ड से मैंने पूछा कि तुम कहाँ थी. जस्ट आउट फ्लाइंग अराउंड रिप्लाइड द ह्यूमिंग बर्ड. ह्यूमिंग बर्ड ने रिप्लाई किया कि मैं बस इधर उधर उड़ रही थी. डिड यू फाइंड एनीथिंग टू ईट. आई आस्क मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी. ओ देयर्स प्लेंटी ऑफ फूड बट ऑल द ट्विग्स एंड स्ट्रो. ट्विग्स एंड स्ट्रो कहते हैं टहनी और तिनके को. वर ब्लोन अवे बाय लास्ट वीक्स स्टॉर्म सेड द लिटिल हमिंग बर्ड इन अ सैड वॉइस. खाना तो बहुत था पर लेकिन क्या हुआ, ये जो लास्ट वीक तूफानी हवाएं आई थी इसने जो है सारे तिनके और टहनी जो हैं वो उड़ गई हैं. लिटिल हमिंग बर्ड ने बहुत ज़्यादा अफसुरदा वॉइस में ये कहा. आई एम सॉरी टू हेयर दैट. मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा या सॉरी फील किया. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब तुम क्या करोगी, आई आस्क बच्ची ने पूछा. द लिटिल हमिंग बर्ड श्रग हर फैदर्स एंड सैड. परिंदे ने जो है उस बर्ड ने हमिंग बर्ड ने अपने पर को फड़फड़ाया और कहा आई एम नॉट श्योर. मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं है पता. बट आई हैव अ फेवर ऑफ आस्क यू. मेरे पास एक फेवर है अगर मैं पूछूं आपसे. श्योर एनी थिंग आई सेड. बच्ची ने कहा आप बिल्कुल कुछ भी पूछें. कैन यू प्लीज गिव मी सम बबल गम आस्क द लिटिल हमिंग बर्ड. लिटिल हमिंग बर्ड ने पूछा क्या तुम मुझे अपने बबल गम दे सकती हो कुछ. आई वॉज सरप्राइज दैट अ हमिंग बर्ड वुड आस्क फॉर बबल गम. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई. सरप्राइज मतलब हैरान हुई कि हमिंग बर्ड ने मुझसे बबल गम के बारे में पूछा है. बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी चीज़ें उसके साथ शेयर करने में क्योंकि मैं उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ. द लिटिल हमिंग बर्ड च्यूड द गम बॉल्स एंड देन ब्लू अ बबल बिगर देन हर बॉडी. जब लिटिल हमिंग बर्ड ने वो बबल गम्स को चबाया तो उसका क्या क्या हो गया, साइज बिगर हो गया.
वो बहुत छोटे छोटे थे लेकिन उसका साइज़ क्या हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था। थैंक्स शी सेड एंड फ्लू अवे, उसने जो है बच्ची को थैंक्स कहा और वहाँ से वो उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल हमिंग बर्ड वॉज बैक, अगली सुबह क्या हुआ, वो जो लिटिल हमिंग बर्ड थी वो वापस आ गई। शी आस्क्ड फॉर अ मोर बबल गम, उसने पूछा क्या आप मुझे अपने और बबल्स गम्स दे सकती हो। आई डिड नॉट नो वाई शी वॉन्टेड बबल गम, मैं नहीं जानती कि उसने बबल्स गम का क्या करना है, बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद हर, और मैं जो हूँ उसके साथ बहुत खुश हूँ अपनी चीज़ें अपने बबल्स गम्स को शेयर करके। शी थैंक मी अगेन एंड फ्लू अवे, और उसने मुझे थैंक्स किया और दोबारा वहाँ से उड़ गए। टू डेज लेटर इट वॉज नाइस एंड सनी, दो दिन बाद एक बहुत नाइस वेदर था, एक सनी वेदर था। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, मैं बाहर खेल रही थी। सडनली अचानक आई हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट माई नेम, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, मेरा नाम पुकार रहा है। आई लुक अराउंड बट डिडेंट सी एनी वन, मैंने जो है अपने इर्द गिर्द देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। द वॉइस कॉल्ड आउट माई नेम अगेन, दोबारा मुझे आवाज़ आई कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। दिस टाइम आई रियलाइज इट वॉज कमिंग फ्रॉम द ओक ट्री इन माई बैकयार्ड, इस दफ़ा मैंने जो है रियलाइज्ड किया, महसूस किया है कि आवाज़ जो आ रही है वो मेरे पिछले तरफ जो ट्री है बैकयार्ड पर वहाँ से आ रही है। आई सॉ द लिटिल हमिंग बर्ड अप ऑन द ट्री, मैंने देखा कि वहाँ जो लिटिल हमिंग बर्ड थी वो बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग इन अ रेड ऑरेंज एंड ब्लू नेस्ट, जो कि बैठी हुई थी कौन से कलर के घोंसले पर, रेड ऑरेंज एंड ब्लू। लुक व्हाट यू हेल्प मी बर्ड सेड द लिटिल हमिंग बर्ड, लिटिल हमिंग बर्ड ने कहा देखो तुमने मेरी क्या चीज़ बनाने में हेल्प की है। व्हाट डू यू मीन आई आस्क, मैंने कहा क्या मतलब है इसका। वेल देयर वर नॉट एनी ट्विग्स एंड स्ट्रॉ लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म, जब तूफानी हवाएं आई थी, जब तूफान आया था वो सब कुछ अपने साथ भाग कर ले गया था, टहनी तिनके जिससे मैं अपना घोंसला तैयार करती। आई नीडिड समथिंग टू बिल्ड अ नेस्ट, और मुझे कुछ चाहिए था, मुझे ज़रूरत थी कि मैं जिससे अपना घोंसला तैयार कर सकूँ। वर आई कुड ले माय एग्स, जहाँ मैं अपने अंडे दे सकूँ। योर बबल गम हेल्प मी टू बिल्ड दिस नेस्ट, और तुम्हारे बबल गम ने मेरी हेल्प की है नेस्ट बनाने में, थैंक यू वेरी मच। और उसने जो है उसका शुक्रिया अदा किया, सेड द लिटिल हमिंग बर्ड, लिटिल हमिंग बर्ड ने उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहा। I climbed up the oak tree and sure enough there were two little eggs the size of jelly beans. जब मैं दरख्त पर चढ़ी तो मैंने देखा वहाँ पे दो अंडे रखे हुए थे जिनका साइज़ क्या था, जेली बीन्स जितना छोटा छोटा। लेंग इन द नेस्ट मेड ऑफ बबल गम, जो कि किस में रखे हुए थे, बबल गम, जो घोंसला बना हुआ था किससे बना हुआ था, बबल गम से बने हुए थे और उसके अंदर छोटे छोटे eggs रखे हुए थे। I told myself, I am so happy. I shared my bubble gum with the hummingbird. She has been able to build her nest because of it. उसने अपने आप से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी bubbles gums hummingbird के साथ share करके, और वो काबिल हो गई, इस काबिल हो गई कि वो जो है अपना घोंसला उस bubble gum से बना सके। So the moral is, do remember to share your things with other. हमें याद रखना चाहिए कि हमें जो है अपनी चीज़ें दूसरों के साथ क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ फन, शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसी से रिलेटेड पोएम भी है, शेयरिंग इज़ केयरिंग और शेयरिंग इज़ फन, वी कैन ऑल शेयर टुगेदर टू बी काइंड एवरीवन। बेटा हमें याद रखना है कि शेयरिंग एक फ़न भी है और हमें हर किसी की हेल्प करनी है, क्योंकि हेल्प करना तो अच्छी आदत होती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसे दोबारा रीड करेंगे, अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे। द हमिंग बर्ड हू च्यूड बबल गम, पेज नंबर 16। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बिकॉज एंड सो, व्हाट आर कंजंक्शंस। We can conjunctions to connect words, phrases, clauses and sentences. Conjunctions को उर्दू में हरूफ अत्ती कहते हैं। हम इसे कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई दो वर्ड्स, दो अल्फाजों या दो जुमलों या दो बातों को जोड़ना हो, तब हम conjunctions को यूज़ करते हैं।
वाई डू वी नीड कंजंक्शंस, हमें कंजंक्शंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंजंक्शंस आर यूज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन, गिव अल्टरनेटिव, गिव रीजंस, गिव रिजल्ट्स और गिव अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अल्फाजों का मिलाप, मजीद मालूम देने, मुतबादल देने, वजूहत देने, नतज देने या गैर मुतवक मालूम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंजंक्शन के ज़रिए हम अपनी बात का आसानी दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 16, लर्न ग्रामर, स्टडी दी सेंटेंसेज। यू शेयर योर बबलगम विद मी सो आई कुड पुट दिस नेक्स्ट, तुमने मेरे साथ अपने बबलगम शेयर किए थे इसीलिए मैं अपना घोंसला बना पाई। इन द सेकेंड सेंटेंस, व्हाट डज सो डू, डज इट एक्सप्रेस कॉज और रिजल्ट, इसमें क्या वाजे किया गया है, इसमें रिजल्ट और वजह बताई गई है। इट एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब इन द फर्स्ट सेंटेंस, द गर्ल शेयर द बबलगम विद द बर्ड, रिजल्ट द बर्ड वॉज एबल टू बोर्ड द नेस्ट, लड़की ने उसके साथ बबलगम शेयर किए थे तभी वो क्या बना पाई अपना घोंसला। We use soap to express the result of something and because the to express cause or reason for something. So हम तब use करते हैं जब हम किसी चीज़ का नतीजा बता रहे हों और because हम तब use करते हैं जब हम कोई वजह बता रहे हों, ठीक है। Now we add certain word to combine to sentence, two causes to sentence. These sentence are also a word that combine to each other and make sense to us. What is this word called? They are called conjunction. Because and so are also called conjunction. Cause used for causes and action, so used for result and action. Now start the bookwork, page number 16. Combine these sentences using because or so. हमें जो है दो जुमलों को जोड़ना है किसका इस्तेमाल करते हुए, because और so का। फर्स्ट फिल द ब्लैंक्स, आई वॉज टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई थी, डैश आई वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए मैं बेड पर चली चली गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, सो आएगा या फिर बिकॉज आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताई जा रही है, हमें रिजल्ट बताया जा रहा है कि मैं थकी हुई थी इसीलिए मैं बेड पर चली चली गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, सो। सेकेंड, आई टर्न द फैन ऑन, डैश इट वॉज वेरी वॉर्म, मैंने फ़ैन को ऑन किया डैश क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था कमरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज आएगा या फिर सो आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताई जा रही है, सिचुएशन बताई जा रही है, वजह बताई जा रही है कि उसने क्यों ऑन किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज शी वॉज हंग्री डैश एवरी वन मेड फन ऑफ हर, वो बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ थी, सारे जो थे उसके साथ फ़न कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या बताई जा रही है कि वो क्यों नाराज़ हो रही थी, क्योंकि सब उसका फ़न कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ पे वजह बताई जा रही है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बिकॉज। नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग हैविली डैश वी डिडंट गो फॉर द पिकनिक, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे बिकॉज आएगा या सो आएगा, ठीक है, वी डिडंट गो फॉर द पिकनिक, इसीलिए जो है हम वहाँ पिकनिक पर नहीं जा सके। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रिजल्ट बताया जा रहा है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से वो पिकनिक नहीं जा पाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो। नेक्स्ट, नो वन केम टू मीट अस एट द स्टेशन डैश वी फाउंड आवर वे होम आवर सेल्फ, मुझसे जो है कोई मिलने नहीं आया स्टेशन पे डैश वी फाउंड, इसीलिए हम अपना घर खुद ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, वजह बताई जा रही है कि क्या वजह थी, वो अपना घर खुद ढूंढ रहे थे, खुद अपने वे तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो। द कार स्टॉप डैश देयर वॉज नो पेट्रोल इन इट, गाड़ी रुक गई थी किस वजह से, क्योंकि पेट्रोल उसमें नहीं था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर क्या बताई जा रही है, वजह बताई जा रही है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है, आपका होमवर्क टास्क है बुक पेज नंबर 16 और 17, ठीक है, आप इसे कंप्लीट करेंगे। बाकी पेजेस जो हैं वो आपको बाद में करवाए जाएंगे, जिसमें लर्न वर्ड्स, डायलॉग्स और एक स्टोरी है जिसको सीक्वेंस देना है। यूनिट 1, द हमिंग बर्ड हु च्यूड बबल गम। पेज 18, लर्न प्रोनंसिएशन। अफ्रेड, ब्रेक, कंप्लेन।
famous, great, mistake, remain, strange. Read these words aloud with the stress on the letters in capital letters. Brother, leisure, children, harbour, customer, sudden, different, village, famous, window, favorite, wonder. The sound of the final S in these words is Z, as in zebra. Read the words aloud. Arms, because, customers, dreams, ears, friends, hands, ideas, numbers, sometimes. Page 20. Learn to listen. Listen to the story about how Ethi began helping people from a young age. You will hear the story twice. Now choose the right answer to the given questions and put a tick against it. When Ethi was a child, he was given 2 paisas as pocket money every day. His mother told him to keep 1 paisa for himself and give 1 paisa to a poor person. When Ethi came back from school, she would ask him how he had helped people. This is how Ethi learned to be kind to everyone. When he grew older, he started helping people who lived near his village. His mother would give him clothes and food for the needy, and Ethi would give it to them. Today, Ethi has the largest welfare organization in Pakistan. He has made homes for orphans, widows, the disabled, and the homeless. He also runs a shelter for animals. He also provides food, clothes, and medicines for the poor. Ethi has the largest private ambulance service in the world. Whenever there is an accident, his ambulances are the first to arrive. In 2005, his organization helped thousands of people after the earthquake. Ethi has received many international and national awards for his charity work. He is well known all over the world. But Ethi still wears simple clothes and lives in a small house. He wants to spend his life helping people in need. बेटा आपने इस स्टोरी को 2 बार सुनना है, बहुत ध्यान से, बहुत carefully. उसके बाद जो है आपने पेज नंबर 20 कंप्लीट करना है, ठीक है? आई होप कि आप ये सारा काम मुकम्मल कर लेंगे और इस स्टोरी को और इस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से सुनेंगे केयरफुली. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आपने बुक वर्क और कॉपी वर्क को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, ब्लू कलर और पेंसिल का बहुत अच्छे से यूज़ करना है और इंडेक्स कंप्लीट करना है. थैंक यू.